नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज टाइम न्यूज आपके लिए खबर लाया सवाल्दे भारतीय समाज पार्टी की। बुधवार को राज्य संपत्ति विभाग ने ओम प्रकाश राजभर को बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। राज्य संपत्ति विभाग के मुताबिक 15 दिनों के अंदर ओम प्रकाश राजभर को यह बंगला खाली करना पड़ेगा। योगी सरकार ने लखनऊ के गौतम पल्ली इलाके में राजभर को बंगला आवंटित किया था। आप सभी लोगों को बता दें कि सवाल्दे भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को 20 मई को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसी के साथ ही उनका बीजेपी से रास्ता भी अलग हो गया था। हालांकि बर्खास्तगी से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से और योगी सरकार से नाराज चल रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ चुनावी सभा में मंच भी साझा किया था। साथ ही पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर तंज कसते रहे थे। इसके बाद भी बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को सरकार से नहीं निकाला था, लेकिन चुनाव के बाद और एग्जिट पोल आते ही अगले दिन उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आप सभी लोगों को एक और बात बताते चले, ओम प्रकाश राजभर पिछले 3-4 महीने से बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लोकसभा चुनाव में बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने 13 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के खिलाफ 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इसके बाद लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री उनके इस्तीफा को मंजूर नहीं कर रहे हैं। 19 मई को चुनाव खत्म होने के दूसरे ही दिन ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी। साथ ही सुभाषपा के 6 सदस्यों को भी हटा दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जब भी मैं कोई नई खबर डालूंगा आपके पास सबसे पहले बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेगी और आप उस खबर को बिना किसी रुकावट के सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद।